नमस्कार, हमारे सामने ये हाथ 37 वर्षीय महिला का एक हाथ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देंगे हम आपको ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए एक नया चैनल शुरू किया गया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसे सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं। शुरुआत कर लेते हैं हाथ की कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली बुध क्षेत्र के निकलने वाली उंगली है। सबसे पहले तो ये क्षेत्र काफ़ी डाउन है, ये देखिए, और उसके बाद ये उंगली की लंबाई सूर्य के प्रथम पर्व से बहुत ज़्यादा नीचे रह गई है। इस उंगली का बहुत बड़ा महत्व होता है हस्तरेखा के अंदर, क्योंकि ये बुध यानी बुद्धि के क्षेत्र से निकलने वाली उंगली है। ज़रूरी नहीं है हर बार आपका डिसीजन करेक्ट होगा, हर बार आपका इन्वेस्टमेंट आपको लाभ देगा, हर बार आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके जीवन में सटीक हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ चेतावनी देना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में अगर करियर के साथ ज़्यादा उठा पटक करेंगे तो आपको अच्छा खासा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ये छोटी उंगली बुध से संबंधित गुणों में कमी देती है। अपने आप की बुद्धि को सही समझना, अपने निर्णयों को सही समझना, या जो मैं कर रही हूँ वही ठीक है, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। इसको लिए सावधान रहिएगा। ये आपकी आई सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली शनि से काफ़ी मिली हुई है। घर परिवार की तरफ से सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, परिवार को साथ लेकर चलने वाली महिला है। साथ ही साथ जहाँ भी जाती हैं, जिस क्षेत्र में भी जाएंगी, वहाँ आपको एक प्रसिद्धि और मान सम्मान मिलेगा। शनि की उंगली को देखें तो शनि की उंगली काफ़ी मोटी है, ऊपर सबसे ऊपर का पर्व थोड़ा सा लंबाई में छोटा भी है। ये कर्म की उंगली कहलाती है। कर्म की उंगली जब इस प्रकार से मोटी और छोटी दिखाई देती है तो जीवन में आपके स्वयं के कर्म, एक तो होता है प्रोफेशनल लाइफ, एक होता है करने वाले रोज के कर्म, आपके कर्म कहीं ना कहीं आपके लिए दुखदायी साबित हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि जीवन में करियर के लिए खास तौर पे आप जब भी कोई बड़ा निर्णय लें उसको बहुत बार सोचें, तब उस पर करें। ये उंगली आपको जीवन में धन देगी, काम देगी, लेकिन उठापटक भी दे सकती है। बृहस्पति की उंगली भी इसी प्रकार से काफ़ी मोटी दिखाई गई है, और ज़्यादा लंबाई मैं इसकी नहीं कह सकता। ये पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेदता देती है। पैसा तो देती है, लेकिन पैसे का सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। उसमें थोड़ा सा अपनी समझदारी का कुल आप ध्यान में रखिएगा, समझदारी से डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा। बुध क्षेत्र की उंगली अच्छी नहीं तो बुध पर्वत भी अच्छा नहीं। बुध पर्वत पर हल्की सी रेखा दिखाई देती है, और पर्वत है एक तो डाउन बहुत गया है, उसके बाद ये पर्वत फूल गया है। जब बुध क्षेत्र पर इस प्रकार की स्थिति हो और पर्वत फूला हुआ हो, व्यक्ति को अपने जीवन में पैसे से संबंधित दिक्कतें आती हैं। पैसे का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, नहीं तो आपको जीवन में अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। यानी ऐसे लोग जीवन में पैसा तो कमाते हैं लेकिन उसको जोड़कर ठीक प्रकार से नहीं रख पाते। सूर्य क्षेत्र की तरफ देखें तो शुरुआत में ये ट्रेंगल्स बनते हुए मुझको दिखाई दे रहे हैं, और सूर्य क्षेत्र की तरफ रेखा भी गई है। पर्वत आपका ठीक है लेकिन थोड़ा सा फूला हुआ है। अब सूर्य क्षेत्र की तरफ जो रेखाएं होती हैं, मैंने अधिकतर हाथों में जो अच्छी रेखाएं देखी हैं वो इस प्रकार की रेखाएं हाथों में फ्लैग बन गया, ट्रेंगल बन गया, उसमें देखी हैं, वो चीज़ यहाँ नहीं दिखती। आप एक तरफ तो मुझसे बात करते हैं सरकारी नौकरी में प्रमोशन, उच्च पद, तरक्की, एक तरफ आप बात मुझसे बिजनेस का भी लगातार कर रही हैं। अब मैं आपको एक चीज़ तो बता दूं, जीवन में बिजनेस करो या मत करो, लेकिन अपनी सरकारी नौकरी पर कभी आँच मत आने देना। ऐसा मत करना कि नौकरी को छोड़ के बिजनेस की तरफ चले जाओ, वो आपके जीवन में एक अच्छा खासा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, नुकसान वाला, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैसे स्थितियाँ यहाँ ठीक हैं। शनि क्षेत्र की तरफ उठने वाली रेखाएँ दर्शित करती हैं धन के लिए। ये धन का क्षेत्र है, सम क्षेत्र है, थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन हाँ शनि की उंगली से बेहतर है। व्यक्ति को जीवन में धन के साधन बने रहेंगे, किसी न किसी तौर पे व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती रहेगी। बृहस्पति क्षेत्र आपका सम क्षेत्र है, और उसपे से निकलने वाली इस प्रकार की ये रेखाएं आपको जीवन में तरक्की देंगी, मकान देंगी रहने के लिए, सुख साधन देंगी, स्वयं के बल पर आप मकान अर्जित करने में सक्षम होंगे। जैसा कि आपने मुझसे पूछा है अपना घर कब, जीवन में प्रॉपर्टी कितनी, स्वयं के बल पर 2 से 3 प्रॉपर्टी आराम से,
और अभी भी मैं आपको बताऊं, अप्रैल 2022 से अगस्त 2024 के बीच में आपको एक अच्छे अपने घर के संयोग बनते दिखाई दे रहे हैं। हृदय रेखा शुरुआत में दो मुखी होकर चली है, थोड़ी सी बलवती हृदय रेखा है, और बृहस्पति क्षेत्र की स्थिति थोड़ी सी ऊपर से मोटी दिखाई दी है। यानी यहाँ भी इस प्रकार के इंडिकेशन आए हैं कि ये हस्बैंड वाइफ के बीच में वैचारिक मतभेदता देने में सक्षम है। आपने मुझे को अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम भी भेजा था, उसमें भी मैं एक चीज़ को कवर कर गया था, और आपके हाथ में भी वो मुझे दिखाई दी है। उसके बारे में मैं भी आगे आपसे चर्चा करूँगा। आपकी मस्तिष्क रेखा काफ़ी डिस्टर्ब है, मस्तिष्क रेखा डिस्टर्ब होगी, बुध की उंगली छोटी होगी, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जीवन में मात खाएगा। ये देखिए, ये आपकी मस्तिष्क रेखा, ये यहाँ से निकली यूँ, और शुरुआत में इसने एक दीप का रूप लिया, फिर ये रेखा आगे चली, यहाँ तक गई, और यहाँ से चंद्र क्षेत्र से एक रेखा इसको जुड़ी। लेकिन आपके मंगल क्षेत्र पर मिले मुझे दो तिल। अब ऐसी स्थिति जब मस्तिष्क रेखा पर दीप हो, मस्तिष्क रेखा चंद्र क्षेत्र तक जा रही हो, वहाँ से एक रेखा निकल के मस्तिष्क रेखा में अटैच हो गई, और आपके मंगल क्षेत्र पर दो तिल। मंगल क्षेत्र ये निम्न मंगल है, निम्न मंगल पर जब इस प्रकार की स्थिति दिखती है, आपको जीवन में अपने निर्णयों के द्वारा बहुत बड़ा नुकसान, झगड़ा झंझट, कोर्ट केस आदि का सामना करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोर्ट केस का भी सामना करना पड़ सकता है। और अपने गुस्से पर और जल्दबाजी पर संयम रखिएगा, नहीं तो आपको वैवाहिक जीवन में तो प्रॉब्लम आएगी, उसमें भी आपको कोर्ट केस से रिलेटेड सामना करना पड़ सकता है। आपके उम्र हो गई है 37 वर्ष, और आपको शुरुआत में लगभग 30 वर्ष तक तो दीप का ही सामना करना पड़ा है, और आगे मस्तिष्क रेखा पॉजिटिव वे में नहीं दिखाई दे रही है, इसको बहुत सारी रेखाएं काट भी रही हैं। जैसे मंगल क्षेत्र से एक रेखा निकली, इसने यहाँ टच किया, एक रेखा मंगल क्षेत्र से निकली, इसने यहाँ इसको काटा। साथ ही साथ ये देखिए, एक ये रेखा मंगल क्षेत्र से, ये देखिए, ये जितनी भी रेखाएं निकल रही हैं, मंगल क्षेत्र से रेखा निकल के मंगल क्षेत्र तक पहुंच जाए तो ये एक अच्छा योग नहीं माना जाता। साथ ही साथ वहां पर दो तिल भी हैं, अपने आप पर संयम रखेगा, ज्यादा बड़ी ऊंची उड़ान आपको जीवन में गर्त में भी धकेल सकती है। अपने पैसे को संभाल के रखिए, अपने डिसीजंस को संभाल के रखिए। गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन कब, और आपने ये भी पूछा है कि 2020 में फाइनेंस कैसा, 2020 में प्रॉपर्टी, हाँ 2020 में प्रॉपर्टी दिखती है, छोटी मोटी प्रॉपर्टी जरूर दिखती है, फाइनेंस के हिसाब से भी ठीक है, और 2020 में प्रमोशन भी दिखता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। कोर्ट केस के बारे में मैंने आपको बता दिया, हाँ जीवन में आप कोर्ट केस आपके हो सकते हैं, वो आपकी मैरिड लाइफ को लेके भी हो सकते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद को लेके भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आप उसमें भी सचेत रहिएगा। मस्तिष्क रेखा के साथ साथ जब चंद्र क्षेत्र बहुत ज़्यादा खराब हो, जैसे एक आपकी रेखा निकली शुक्र क्षेत्र के नीचे से, कहाँ पहुंची, चंद्र क्षेत्र की तरफ, और चंद्र क्षेत्र से देखिए कितने सारी रेखाओं ने आपको काटा। ये सब झंझावट रेखाएं, कोई भी एक रेखा ऐसी नहीं है जिसको मैं अच्छी रेखा के रूप में कह सकूं। और चंद्र क्षेत्र पर आए, एक तिल मुझको देखो चंद्र क्षेत्र पर और निकला, कहने में बुरा लगता है लेकिन आप अपने चरित्र के प्रति सावधान रहिएगा, नहीं तो आपको जीवन में बहुत बड़े खामियाजा भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे लोग स्वभाव में कुछ जिद्दी भी होते हैं, यानी जो मैं कर रही हूँ या जो मेरा डिसीजन है वही ठीक है, दिमाग पर स्थिरता नहीं रहना, असंतुलित निर्णय, असंतुलित दिमाग, दोनों ही स्थितियाँ दिखती हैं। गजब का साहस, और साहस में भी अति साहस हो जाने के योग यहाँ साफ तौर पर दिखते हैं। अपने आप को संभालिए, जिस चीज को स्थिरता से कर रहे हैं उसे कीजिए, उसी में आपको लाभ है। ये देखिए, एक रेखा यहां से ये निकली, ये गई, ये क्या है, ये है एक व्यावसायिक रेखा छोटी सी, लेकिन अन्य व्यावसायिक रेखा को आप देखेंगे ना, इनको आपको रेखाएं काट भी बहुत रही हैं। आप जीवन में व्यवसाय के क्षेत्र में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, नौकरी को पकड़ के रखो, साइड बाई छोटा मोटा इन्वेस्ट करते रहो और आगे चलते रहो, नहीं तो आपको जीवन में नुकसान करना का सामना करना पड़ेगा, फिर आप ये नहीं कहना कि ये मेरे साथ क्या हुआ। भाग्य रेखा देखिए आपकी, चंद्र क्षेत्र से निकली भाग्य रेखा,
आयु रेखा में जाके मिल गई। अब एक रेखा ने यहां से भी उदय किया है, ये भी एक आपकी भाग्य रेखा का सपोर्ट है। एक रेखा छोटी सी यहां से निकली, लेकिन इन रेखाओं को लगातार रेखाओं के वेग काट रहे हैं। ये देखिए, उम्र हो गई आपकी 37 वर्ष, अभी भी आपके जीवन में चल रहा है उथल पुथल, या इसको कह सकते हैं सटीक डिसीजन लेना नहीं बन पा रहा है। आपको रेखाएं तो आपके पास देखिए, ये सब सहयोगी रेखाएं हैं। भाग्य रेखा को जब रेखाएं सहयोग करने लगती हैं और उम्र हो गई है 37 वर्ष, तो 38 वर्ष से लेकर आगामी 55 वर्ष की जो स्थितियां हैं उसमें एक चीज़ तो दिखती है कि भाई भाग्य सियाह साथ देगा, पैसा लगातार आता रहेगा, फाइनेंस की स्थिति किसी न किसी प्रकार से बनी रहेगी। लेकिन आप अपने निर्णयों पर जरूर संयम रखिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। बड़े इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। लोन कब खत्म होगा? 2024 तक लोन की स्थिति आपको लगातार बनी रहेगी। मुझे फिर भी लगता है कि ऐसा ना हो 2024 तक आप फिर से कोई ना कोई लोन ले लें, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ले लें। तो लोन भले ही 24 तक खत्म कर लेंगे, लेकिन फिर आगे आपकी लाइफ में लोन हो जाएगा। बिजनेस हाँ या ना? फॉरेन में बिजनेस, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से संबंधित। देखिए, ये जो चंद्र क्षेत्र से निकलने वाली रेखाएं होती हैं, ये सब रेखाएं यात्राएं, हवाई यात्राएं और विदेश यात्राएं कराती हैं, जो मस्तिष्क रेखा से जुड़ रही हैं। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से संबंधित काम कर सकते हैं, नेटवर्क सेलिंग मार्केटिंग में फ्यूचर कर सकते हैं, अपनी चीज़ को विस्तार करना, कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, या मैं ये कहूँ कम्युनिकेशन शब्द ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने आप के ऐसे काम अपने जीवन में कीजिए जो आपको संचार से जोड़े, जैसे भागा दौड़ी स्वयं ना करनी पड़े, लेकिन हाँ इंटरनेट के माध्यम से आप चीज़ों से जुड़कर लाभ ले सकते हैं, अपना कोई आइटम्स है उसको बेच सकते हैं। एजुकेशन से संबंधित डिपार्टमेंट में यदि आप ट्राई करें, या एजुकेशन से संबंधित कोई काम करना चाहें ऑनलाइन या किसी भी तौर पर, तो आप कर सकते हैं। विदेश से जुड़कर भी आप काम कर सकते हैं। ऐसी रेखाएं आपके हाथ में हैं। मुझे एक चीज़ दिखाई देती है, 2025 से 28 के बीच में आपके जीवन में कुछ मेजर चेंज आएगा, जिसको कह सकते हैं बड़ा बदलाव। साथ ही साथ ये मेजर चेंज आपके लिए एक पॉजिटिव वे में होगा, यानी आपको फायदा देगा। ऐसा भी संभव है कि कहीं आप ऐसा ना हो कि सरकारी नौकरी को छोड़कर डायरेक्ट बिजनेस लाइन में पहुंच जाओ, लेकिन फिर भी निर्णय को लेने से पहले थोड़ा सा सोचिएगा, नहीं तो नुकसान संभव है। जॉब में टॉप पोजीशन कब? अगर आप नौकरी में बने रहे, व्यवसाय की तरफ आकर्षित नहीं हुए, तो 25 से 28 का ही वो समय होगा जब आपको यहाँ एक अच्छी नौकरी या जॉब में अच्छी पोजीशन प्राप्त होगी। रत्न कौन सा पहन सकते हैं हम? देखिए, आपके हिसाब से सबसे बेहतर स्टोन अगर मैं देखूँ तो वो है फायर ओपल। इस वाली उंगली के अंदर एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल पहन लीजिए, आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं तो आप मुझसे संपर्क करके फोटो भी देख सकते हैं उसका, और आप स्टोन मुझसे सर्टिफाइड प्राप्त भी कर सकते हैं। तो डबल फायर ओपल आपके लिए एकमात्र ओपल बनता है। मंगल क्षेत्र से निकलने वाली रेखाएं जब लगातार किसी न किसी रूप में काटें, तो अपने आप पर संयम रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो नुकसान किसी भी समय घेर सकता है आपको। तो लगभग आपके सभी सवालों के जवाब मैंने दिए। अब मैं बात करता हूं आपकी आयु रेखा। ये देखिए, ये आपकी आयु रेखा नीचे तक जा रही है, आराम से 75-78 वर्ष तक बन रही है। उसके अंदर एक मंगल रेखा भी आपको यहाँ सहयोग दे रही है, लेकिन जब मंगल रेखाओं को इस प्रकार से रेखाएं काटें, फिर से वही इंडिकेशन, जोश में होश मत खोना, अपने पैसे को संभाल के रखो, बेकार का इन्वेस्टमेंट आपके लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि मंगल क्षेत्र अच्छा है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन ये मंगल तो बहुत खराब है आपका, निम्न मंगल, तो संयम रखिएगा। ये है आपका शुक्र क्षेत्र। शुक्र क्षेत्र ठीक है, ज़्यादा उभरा भी नहीं है तो ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं है। जीवन में सुख सुविधाएं मिलेंगी, जितनी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से सुख सुविधा प्राप्त होती रहेंगी। लेकिन हाथ में जब ये तीन तीन तिल, चंद्र क्षेत्र पर भी तिल है, मंगल क्षेत्र पर भी तिल है, मंगल जोश है, ये निम्न मंगल है, ये आपको डाउन ले जा सकता है। चंद्र क्षेत्र पर तिल है, काला तिल है, ये मन के अंदर खराब स्थिति को पैदा कर सकता है, नकारात्मक विचार दे सकता है, गलत संगत दे सकता है, गलत विचार दे सकता है, गलत निर्णय ले सक दे सकता है, डिप्रेशन दे सकता है। तो उन सब चीज़ों पर थोड़ा सा काबू पाइएगा। भगवान शिव की आराधना करनी आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है। शिव जी को जल चढ़ाइए, रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए,
ओम नमः शिवाय मंत्र की माला का जाप, रुद्राक्ष की माला से रोजाना कम से कम 2 से 3 माला का जाप कीजिए, मानसिकता को मजबूत करिए, मेडिटेशन कीजिए, इन सब चीज़ों को आप कीजिए, तभी आपकी लाइफ में फायदा होगा। आगामी समय में मुझको ऐसा बार बार इंडिकेशन आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने गलत निर्णयों के कारण अपने जीवन में भारी भरकम कोई नुकसान कर बैठे, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिजनेस के लिए अगर मुझसे आप पूछो, आपको सिर्फ एकमात्र ये पॉजिटिव लाइन दिखाई दी है, उसके अलावा ना तो आपका कोई पर्वत बहुत अच्छा है बिजनेस का, ना आपकी कोई बिजनेस की उंगली बहुत अच्छी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग जीवन में स्वतंत्र व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो मैंने आपके यहाँ सभी सवालों के जवाब दिए हैं। आपको एक पूजा और लास्ट में मैं बता दूं, आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है, सूर्य राहु एक साथ बैठे हैं, इसलिए किसी सुयोग्य पंडित से मिलिए, उसको कहिए कि हमारी कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण दोष है, हमें उसकी पूजा करानी है। उसके यहाँ जाके पूजा आप वो संपन्न करा लीजिएगा। बस ये जो उपाय है मैंने आपको बताए हैं, सावधानियाँ बताई हैं, उनको आप अपने जीवन में ढाल कर रखिएगा, निश्चित आपको यहाँ सफलता मिलेगी। नमस्कार।